भारत की कूटनीति और कठिन हालात में सीमा पर डटे जवानों के शौर्य के बदौलत चीन अब पोगैंग झील से उल्टे वापस पैर लौटने लगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में ये बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार से सेना की वापसी शुरू हो गई है। राजनाथ ने जब देश को ये जानकारी दी उस समय सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गैलरी में आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच सेना की वापसी का समझौता हुआ है। उन्होंने पीछे हटने का रोड मैप और ग्राउंड सिचुएशन भी देश के सामने रखी। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि पोगैंग झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारे से सेना की वापसी का समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पोगैंग लेक से सेना वापसी के 48 घंटे के भीतर सीनियर कमांडर लेवल की बैठक होगी और बाकी बचे मुद्दों का भी हल निकाला जाएगा। तनाव बढ़ने के बाद दोनों देश के पूर्वी लद्दाख में विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हजारों सैनिकों की तैनाती की गई थी। 24 जनवरी को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 9वें बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी थी कि अब इसी के आधार पर दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पोगैंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से हटाना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सैनिकों को हटाने के बाद झील के दक्षिणी प्रांत से टैंक और हथियार भी हटा लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर।